अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया खान फ्रॉम amanat.com। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं, हमारे न्यू व्यूअर हैं, मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगी। हम इस चैनल के ऊपर डिफरेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में लोकेटेड हैं, उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आज हम लोग मौजूद हैं मरी में और हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि अमार लॉजिस के नाम से है। और ये रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पसेस के लिए है, इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसकी डिटेल्स वगैरह एक इस वीडियो में आप लोग देख सकेंगे, इसका एक जनरल ओवरव्यू कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी अम्यूनिटीज़ हैं, इसकी लोकेशन क्या है और इसके डेवलपर्स कौन है, इसकी डेवलपमेंट स्टेटस क्या है करंटली, ये तमाम डिटेल्स आप जनरल ओवरव्यू में जान सकेंगे। और उसी तमाम डिटेल्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सजाद, एंड आफ्टरवर्ड्स मेरे साथ मेरे एक और टीम मेम्बर मौजूद होंगे वकास, जो कि इसकी कुछ प्राइम फैक्टर्स इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो इन आर ओपिनियन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको लाजमी पता होने चाहिए ताकि बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट दे कैन मेक द राइट डिसीजन फॉर themselves। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा सजाद, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आपसे इस प्रोजेक्ट रिलेटेड, वो है इसकी लोकेशन के बारे में कि इसकी लोकेशन क्या है, तो उसकी कुछ डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मारिया, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मरी मेन एक्सप्रेसवे पे मौजूद है। अगर इसकी एक्सेस की बात करें तो हम मरी एक्सप्रेसवे पे मेन निसारी रोड से इंटर हो सकते हैं और न्यू मरी से सिर्फ 2 किलोमीटर की ड्राइव पर है। अगर आप मेरे बैक साइड देखें तो ये माल रोड है। अगर आप माल रोड से आ रहे हैं तो माल रोड से विद इन 10 मिनट की ड्राइव पर हमारा लोकेशन मौजूद है। अच्छा सजाद, जो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस प्रोजेक्ट की बेसिकली फ्लोर प्लान के बारे में कि इसमें इसका फ्लोर प्लान क्या है और कुछ डिटेल्स अगर आप इसकी जो अमेनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं होंगी, अवेलेबल होंगी, उसकी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हमारी अगर इसकी फ्लोर प्लान की बात करें तो ये 14 फ्लोर पर है। ये कम्प्लीटली एक रेजिडेंशल अपार्टमेंट्स हैं। अगर इसकी अम्यूनिटीज़ की बात करें, जो 5 स्टार होटल्स में इसकी अम्यूनिटीज़ होती हैं, वो सेम इसी में भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। ओके सजाद, जो अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो ये है कि अभी जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का, उसकी कुछ डिटेल्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मारिया, अगर इसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो आप हमारे ड्रोन फुटेजेस में देख सकती हैं कि इसके 7 बेड बनाने हैं। इसका फर्स्ट बेड कम्प्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दिए गए टाइम पर ये डेवलपमेंट कम्प्लीट कर देंगे। बहुत शुक्रिया सजाद आपका हमारे व्यूअर्स के साथ ये डिटेल्स शेयर करने का। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो का इस बेसिकली मकसद ये है कि एक जनरल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए अमार लॉजिस का, और फिर इसके बाद कुछ इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जैसे कि मैंने बिल्कुल इंट्रो में स्टार्टिंग में बताया था कि इसके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके इल्म में ये बात होना ज़रूरी है और वो बहुत ही प्राइम फैक्टर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, जो कि कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी हैं। और उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी अपने दूसरे टीम मेंबर को, मिस्टर वकास को, जो आप लोगों से वो तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो आपसे पहला सवाल है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो ये है कि मार्केट में और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, और इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक है, ऐसा क्या डिफरेंट है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस प्रोजेक्ट को फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस कंसिडर करना चाहिए? अमार लॉजिस बेसिकली इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ नेट एरिया सेल कर रहा है। जो हमारे पास हाई राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली जानते हैं कि 2 kind of areas होते हैं, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया। नेट एरिया वो आपका एरिया होता है जो कि विद इन बाउंड्री जो कि आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, और ग्रॉस एरिया में आपका सर्कुलर एरिया और आपका पार्किंग एरिया भी डेडिकेटेड होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में पहली जो पॉजिटिव फैक्टर्स है एंड यूज़र्स के लिए, वो यही है कि यहाँ पे नेट एरिया सेल किया जा रहा है। आपके जितने भी स्क्वायर फीट है, जो भी आपका प्राइस प्लान बनेगा, वो नेट एरिया के अकॉर्डिंगली बनेगा। एंड सेकेंड थिंग, मरी में लोग इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहते हैं, एक वेकेशनल पॉइंट है, लेकिन मोस्टली एंड यूज़र का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है ना, वो ये रहता है कि यार उस एरिया पे हमने साल में कुछ डेज़ के लिए जाना है, बाकी उस हमारे एसेट को कौन मेंटेन करेगा, प्रिजर्व करेगा। और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, उससे रिटर्न का कुछ सिस्टम है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने जो हमारी अपार्टमेंट्स हैं इनमें सर्विस अपार्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आप चाहें तो आप इसकी पेमेंट कंप्लीट करें और आप हमसे एग्रीमेंट कर लें कि हम आपके अपार्टमेंट को एज अ सर्विस अपार्टमेंट लेके चलेंगे। उसमें ये होगा कि लाइक आपने साल में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन आना है,
ऑन एंड ऑफ डेज़ में, छुट्टियों में, ईद वगैरह पे, तो वो डेज़ जो हैं वो आप अपना अपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो 11 मंथ्स हैं उनमें आपका अपार्टमेंट, आपका एसेट आपके लिए रेंटल जनरेट कर रहा होगा। तो जो रेंटल है असल वैल्यू उसकी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को, कि हम शॉप परचेज़ कर लेते हैं, ऑफिस परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो रेंटल रिटर्न है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो किसी भी सिटी में आप कैलकुलेट कर लें तो आपका जो रेंटल रिटर्न है ना वो 0.5 to 0.6% होता है ऑफ द टोटल वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं होता। कमर्शियल स्पेसेस की बात कर रहा हूँ, अगर घर की बात आप करते हैं तो 0.2 to 0.3% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसी किसी वेकेशनल प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे प्रॉपर उसको मेंटेन किया जाए, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, प्रॉपर तरीके से उसकी मार्केटिंग हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है एसेट की उसका मिनिमम 2% रेंटल आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहें, booking.com वेबसाइट है जहाँ पे मोस्टली ओवरसीज़ या जो हमारे भाई दूर से आते हैं वो बुकिंग वगैरह करा के आते हैं, तो आप जस्ट उस वेबसाइट को विज़िट करें और किसी भी अच्छे अपार्टमेंट पे, अच्छी लोकेशन पे अपार्टमेंट का 2 bed का 3 bed का आप जस्ट रेंटल, एक रात का रेंटल चेक कर लें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका अगर वो 20-25 days भी एक महीने में वो रेंट पे रहता है तो आपको मंथली रेंटल किस हद तक बेहतर मिल सकता है। अच्छा वकास, जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे कि अभी सजाद ने हमसे डिटेल शेयर की कि इसका जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है उसके बारे में, लेकिन लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल कि जो इन्होंने एक टाइम पीरियड बताया है कि हम उस टाइम में अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या अश्योरिटी, ऐसी क्या मतलब आप कह लें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को कि उस टाइम पीरियड में एक तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। एंड सेकेंड जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो है इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स की लीगैलिटीज़ के बारे में, कि उनका लीगल स्टेटस क्या है और ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो लीगल स्टेटस है उसकी कुछ डिटेल्स मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मारिया, दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने किसी भी वजह से डिलीवरी बहुत लेट की है, तो आवाम का कंसर्न और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है इस बारे में। तो इसके बारे में जब आप एग्रीमेंट करते हैं, लाइक आपने कोई एसेट परचेज़ किया, कोई भी स्टूडियो, 1 bed 2 bed कोई भी अपार्टमेंट आपने परचेज़ किया, तो एग्रीमेंट के में ये क्लॉज मेंशन है कि अगर हम डिलीवरी टाइम से 1 महीना भी ऊपर जाते हैं तो जो भी आपकी कॉस्ट है, जो आपने बेस प्राइस पे की है अपने अपार्टमेंट की, तो फ्रॉम द फर्स्ट मंथ हम आपको 0.5% रेंटल प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये एग्रीमेंट में क्लॉज मेंशन है। तो ये चीज़ श्योरिटी है, क्योंकि हम पूरी कोशिश, हम आपको ही एक सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये किया है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विद इन टाइम हम उसको डिलीवर कर सकें, और हम इंशाल्लाह करेंगे। और इन केस अगर हम लेट होते भी हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न, तो उसमें भी हमने आपको सेफर साइड ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जैसा कि सजाद भाई ने भी बताया है कि इसकी जो NOC है वो TMA से डिफरेंट NOCs होती हैं, और अराउंड 90% NOC हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो चुकी है, सिर्फ 10% इज़ रिमेनिंग, वो जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम उसको इंशाल्लाह उसको कम्प्लीटली अनाउंस कर देंगे। और सेकंड चीज़ है कि जब आप अपार्टमेंट शॉप वगैरह लेते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में आपको अलॉटमेंट प्रोवाइड की जाती है डेवलपर की तरफ से, प्रोजेक्ट की तरफ से, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम आपको जो बायर है, जो हमारा एंड यूज़र है, उसको हम रजिस्ट्री इंतकाल ऑफर कर रहे हैं। मींस जो हमारी लैंड है, जो बेस लैंड है, उस लैंड में आप पार्टनर होंगे, ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन है, लैंड के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम आपको अलॉटमेंट की जगह आपको रजिस्ट्री इंतकाल ऑफ डेट लैंड ऑफर करेंगे। और बाकी जहाँ तक बात है डेवलपर की, MRN कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मरी में ही मॉल रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, विद इन 1.5 ईयर उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, अब फर्निशिंग की तरफ जा रहे हैं, और मरी में ये उनका सेकेंड प्रोजेक्ट है। वकास आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. फॉर फर्दर क्यूरीज आप हमेशा हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं कि आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं. उसके अलावा अगर फर्दर आप लोगों को पेमेंट प्लान रिलेटेड डिटेल्स चाहिए हो, मज़ीद आप गाइडेंस चाहते हो, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स में से कोई ना कोई आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा. तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के ऊपर डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. और अगली दफ़ा तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अमानत.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.